नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो एक मकसद है सच्चाई को दिखाने का, और ये वो सच्चाई है जिसे हम लगभग 4-4.5 सालों पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वार्तालाप करते थे। मैं बात कर रही हूँ MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की। जब ये मूवी आई थी MS धोनी, तब इस महाशय की बहुत वाहवाही होती थी, क्योंकि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने इनका रोल निभाया था, इनकी बायोग्राफी का रोल निभाया था। एंड आपको बता दूँ, किसी को पता हो या ना पता हो, मैं अपनी तरफ से बता दूँ कि मेरा भाई तब एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार था, बहुत बड़ा सुपरस्टार था, और जिसकी फीस भाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उस इंसान ने मात्र 3-4 करोड़ रुपए लिए सिर्फ, इंक्लूडिंग ऑल द प्रमोशंस एंड एवरीथिंग। और उनका ये कहना था कि MS धोनी की वो मूवी जिसमें वो MS धोनी बनने वाले हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक नाम कमाने का या एक बहुत बड़ा सौभाग्य था उनके लिए, जो उनको ये मौका मिल रहा था कि वो अपने आइडल MS धोनी के जीवन को अपने आप में देख पा रहे थे और वही दर्शा रहे थे, वही MS धोनी बने थे, वही उनकी बायोग्राफी को एक्ट कर रहे थे। और सिर्फ हमारे सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ये मूवी, मतलब अगर यहाँ पे हो सकती थी वो वहाँ चली गई। इतना नाम कमाया और महज सुशांत सिंह राजपूत ने 3-4 करोड़ रुपए लिए। पहली बात तो ये, दूसरी कि जैसे कि मैंने उनको बताया कि जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि उनका सौभाग्य था कि उन्होंने ये मूवी में इनेक्ट करा MS धोनी के नाम से। वो दिन रात पूरी 100% 200% डाल के मेहनत करते थे, MS धोनी को अपना बड़ा भाई मानते थे, उनके साथ रहे कुछ दिनों तक ताकि उनकी रहन सहन को, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग, उनका बोलना चलना सब कुछ कॉपी करके एकदम उसी तरह से निभाए जैसे कि वो एग्जैक्टली है। और इतनी मेहनत करी, तब MS धोनी ने उन्हें अपना छोटा भाई गिन लिया। ऐसा प्यार, इतना प्यार लग रहा था, राम लक्ष्मण की जोड़ी। बहुत बहुत मीम्स भी बने उनके नाम के और बहुत वाहवाही हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब ये लक्ष्मण जी यानी कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत का देहांत होता है, वो भी इतनी मिस्ट्री भरी, एक मर्डर जिसको हम लोग कह रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट्स अ मर्डर, जिसको अभी भी CBI सबूत ही ढूंढ रही है, वो छक्के लोग जिसको CBI का नाम दिया जा रहा है, उन सारे छक्कों को मैं अभी भी गालियों से अपना पूरा वर्णन समर्थन देती हूँ, गालियों से, क्योंकि उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करेंगे और आगे भी कुछ नहीं करेंगे। CBI सिर्फ और सिर्फ छक्कों की टोली है, सिर्फ छक्कों की टोली है, दे आर नथिंग मोर देन दैट। एंड मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ना तब लगता था, ना अब लगता है, ना ही कभी लगेगा। अरे जी के आई हूँ, मर के आई हूँ, अब खोने के लिए रखा ही क्या है जो तुम मुझसे लूट लोगे। हमारे सुशांत सिंह राजपूत, हमारे भाई को जो लूट लिया है, हमारे भाई को बचाया जा सकता था, मैं ये भी कह रही हूँ, लेकिन बचाया नहीं गया, इमरजेंसी वार्ड में नहीं रखा गया, उसे सीधे का सीधा पोस्टमार्टम में डाल दिया गया, वो भी रात को, जहाँ पोस्टमार्टम किस अवस्था में, क्या टाइमिंग, कुछ भी नहीं लिखा गया। आज तक वो 5 नाम हमारे सामने ज़रूर है, वो 5 डॉक्टर अब गायब है जिन्होंने पोस्टमार्टम करा था, वो 5 डॉक्टर गायब है, वो एम्स की रिपोर्ट गायब है, वो सारे सबूत गायब है। भैया आप कहाँ से रहेंगे जब हमारे देशद्रोही, जो CBI के नाम पर जो देशद्रोही है, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया। ठाकरे द कमीना, जो अभी बकवास कभी कहीं पर बैठा होगा, आई डोंट केयर, उद्धव ठाकरे, जिसको निचोड़ निचोड़ के बेइज्जती के घूंट पीने पड़े, उस कमीने और उसके क्या था वो, पेंगुइन, पालतू जो भी है,
उसको भी आज कहीं पे ठक्का मार के, कहाँ जो भी है, जहाँ पे भी है, मरे जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को बचाने के लिए इन देशद्रोहियों ने पैसे खाकर सारा कांड कर दिया मेरे भाई के साथ। खैर, मैं मुद्दे से भटक जाती हूँ, जब भी सुशांत की बात आती है मेरा पारा चढ़ जाता है लोगों का, आई डोंट नो। कहना ये चाह रही थी कि वही एम एस धोनी साउथ में मूवी बना रहे हैं, इंडिया आई मीन नॉट इन हिंदी मूवीज बट वो साउथ में मूवी बना रहे हैं, क्योंकि भैया पता है ना बॉयकॉट कितना जल्दी से हो जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मूवी बनाओगे तो आपको बॉयकॉट किया जाएगा और साउथ की मूवी में आपको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। तो लोगों, मुझे ऐसे इंसान से सख्त नफरत है। एक वक्त था मुझे भी एम एस धोनी बहुत पसंद थे, एंड सुशांत की उस फिल्म के बाद तो बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब मैं उन जैसे इंसानों का मुंह तक देखना नहीं चाहती जिसने एक शब्द भी मेरे भाई के मृत्यु के बाद नहीं कहा, उस छोटे भाई के बारे में एक शब्द नहीं कहा, किसी इंटरव्यू में ये नहीं जताया कि उन्हें दुख है इस बात का। हाँ, बस एक कोई पेपराजी का एक माइक आ गया होगा, आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम शॉक्ड, दैट्स इट। आप आगे नहीं आए उसके जस्टिस के लिए। आप लोग जैसे दिग्गज बड़े लोग अगर जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते, हम लोग तो बड़े छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जैसे अगर लोग आवाज़ उठाते तो आज शायद कुछ चेंज होता, शायद कहीं और होता ये केस, शायद हमारे भाई को जस्टिस मिल गया होता, शायद पे उम्मीद कायम है, हमारी उम्मीदें अभी भी कायम है। मैं हर बार कहती हूँ निर्भया केस 7.5 साल के बाद प्रूव हो गया था, जस्टिस मिला था, तो मेरे भाई को भी मिलेगा। बहुत थोड़े दिन बाकी है, 5 दिन के बाद 6ठे दिन पे मेरे भाई की क्या कहते हैं पुण्यतिथि, आई गेस डेथ सेरेमनी है, 3rd death ceremony, जिसकी वजह से वो पितू बन जाएगा वो इंसान। दुख लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, हंसती रहती हूँ तो मैं उस चीज़ को भूल गई। ये मेरे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, मैं कितना भी हंस लूँ, मैं कितना भी कुछ करूँ, मैं कितनी भी ठीक हो जाऊँ, बट व्हेन इट कम्स टू सुशांत, मेरे दिलो दिमाग में छवि चलती है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बहुत कम न्यूज़ देखती हूँ, ताकि मैं इतना डीपली ना जाऊँ, ताकि मैं वापस से ये आक्रोश में ना आऊँ। बट व्हेन इट कम्स टू सुशांत आई गो क्रेजी, एंड बेसिकली व्हेन आई गॉट टू नो दिस मैन एम एस धोनी इज मेकिंग अ फिल्म इन साउथ सिनेमास जिसका नाम है लेट्स गेट मैरिड, तो भैया आप तेरे को मैं नहीं, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी। साक्षी उनकी वाइफ और एम एस धोनी ने एक फिल्म बनाई है लेट्स गेट मैरिड, जो जुलाई में आने वाली है, रिलीज होने वाली है। भाई साहब, अगर आप लोग सीरियसली SSR लवर्स हो, जो कि बहुत कमेंट्स आते हैं जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर तिशा, जस्टिस, ये बहुत लिखने में आसान होता है, बट सीरियसली इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट जस्टिस, तो जस्टिस हर प्रकार से होता है। बार बार हर साल मैं ये कहती हूँ, सिर्फ हमारे सुशांत को जस्टिस मिले ना मिले उसका ही इंतज़ार नहीं करना है। सुशांत ने अपनी मौत किस वजह से करी, मतलब क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, वो बहुत बड़ा मैटर है। उनको बहुत कुछ पता चल गया था जिसकी वजह से उनका मर्डर हुआ, तो एटलीस्ट उनको नहीं तो उनके सपोर्ट में हम जस्टिस के लिए हर वो कदम लेंगे जो हमें लेना चाहिए, हर वो गंदी बात को ठुकराएंगे, उसे गालियाँ देंगे, सब कुछ करेंगे, गलत को सही नहीं होने देंगे। तो मेरे लिए एम एस धोनी की ये जो आने वाली मूवी है लेट्स गेट स्टार्टेड इज अ बकवास, इट्स अ मियर वेस्ट फॉर मी, एंड आई विल नेवर वॉच दिस मूवी। एंड मेरी YouTube फैमिली से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग में भी सच्चा प्यार है SSR के लिए, हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो माइंड यू आप लोग ये मूवी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देंगे और इसे बॉयकॉट करेंगे। लेट्स बॉयकॉट, लेट्स गेट मैरिड नहीं, लेट्स बॉयकॉट लेट्स गेट मैरिड LGM, लेट्स ब्लॉक, लेट्स बॉयकॉट LGM, बिकॉज जहाँ हमारे भाई को जस्टिस नहीं, तुम सबका नाश पक्का है, वो तुम हो या कोई भी हो, हमें पसंद नहीं हो। एंड रही बात हमारे सुशांत को 3 साल होने की, लोग ये सोच रहे कोई चमत्कार होगा, तो ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर चमत्कार पॉसिबल वहीं हो सकते हैं जहाँ पे करोड़ों की बौछार दे दी जाए। हम वहीं पे है आज भी जहाँ पर एक लड़की को और एक लड़के को तुलना किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आपको बता दूँ कि अभी वो कौन सी मूवी है जिसमें कीर्ति सैनन सीता माँ का रोल कर रही है एंड प्रभास इज डूइंग राम जी का रोल एंड सनी इज डूइंग लक्ष्मण जी का रोल। पहली बात तो ये तीनों फिट नहीं बैठते। प्रभास को तो भी मैं ले सकती हूँ राम जी के उस पे, बट कीर्ति सैनन एंड सनी I really don't think so they are meant for these roles, first of all. And Adipurush, yes, Adipurush, जिसका अभी जोरों शोरों से तहलका मचा हुआ है प्रमोशंस में, लगभग 3-3.5 करोड़ हो चुके हैं, मतलब डाल दिए गए हैं। और ये सुनने में आ रहा है 4 लाख 50 लाख तक, 4 करोड़ 50 लाख, आई मीन सॉरी 450 करोड़, यानी कि 500 करोड़ की मूवी में 450 करोड़ लगभग मिल चुके हैं इन लोगों को, बिकॉज सैटेलाइट प्रमोशन, फिर जो भी होता है जो थिएटर्स में बाजी लगाई जाती है इतने तो रुपये मिल ही जाएंगे, उन सब के द्वारा जो पैसे आ गए प्रमोशंस के, तो लगभग 450 करोड़ उनको मिल ही चुके हैं 500 में से, अब ले देके जो भी बचा है। और यहाँ पे पता चलता है कि एक औरत को यहाँ पे भी डाउन किया जा रहा है, कीर्ति सैनन को लगभग 3-3.5 करोड़ ही मिले हैं साइनिंग, एंड जहाँ पर सैफ अली खान को सिर्फ 12 करोड़ मिल रहे हैं, सैफ अली खान धन्यवाद सैफ अली खान, और प्रभास को 100 करोड़ मिल रहे हैं, सनी को 1.5 करोड़ मिल रहे हैं। तो इस तरह कैसे मूवी के प्रोडक्शन हाउस ने इन लोगों की सैलरी फिक्स करी है। तो जहाँ पर एक औरत को अभी भी इतना नीचे गिराया जा रहा है हर तरफ से, बोला जाता है स्टारिंग में कीर्ति सैनन पहले डाल देंगे, व्हाट द फक, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? आप उसको पैसे कितने दे रहे हो, इतने तो प्रमोशन में डाल दे रहे हो, इतना कम बजट में बेचारी लड़की से काम करवा रहे हो, भैया जो भी हो कम तो है, ये सब है। और आप इस देश से सीरियसली ये सोच रहे हो कि हमारे सुशांत को जस्टिस मिल सकेगा? जस्टिस हमें दिलाना पड़ेगा, और हमारा तरीका इन लोगों को पता है, हमारे भाई को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, उम्मीद तो है ही, लेकिन उसको बहुत तरीक़ों से जस्टिस दिलाएंगे, ये हमारा इरादा है और हमारा नेक इरादा बिल्कुल पक्का है और ये ज़रूर होगा। एंड शुरुआत MS धोनी तुम्हारे बर्बादी की अब होगी। लेट्स बॉयकॉट LGM, रिपीट आफ्टर मी, बॉयकॉट LGM, बॉयकॉट LGM, बॉयकॉट LGM, लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट देम बॉयकॉटेड, ब्लडी हेल। तब तक के लिए साथ दीजिए कूल डाउन होने का, कूल डाउन, तब तक के लिए साथ दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सके तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपन तो ऐसे ही बोलते रहेगा। जय हिंद।